हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एमएनएस प्रेप चैनल डेडिकेटेड टू एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो एज यू कैन सी गाइस, आज मैं वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करने जा रही हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। एंड दिस टॉपिक ऑफ स्टैटिक जीके इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बन सकता है, ओके। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। So without wasting time, let's get start. Important questions from mountain ranges of India and world. So very first question is, आपको बताना है highest mountain range, Asian continent की सबसे highest mountain range, मतलब सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला Asian continent में कौन सी है। Options आपको दे रखे हैं, option A is Andes Mountains, बिकॉज जो डेंगू है वो एंडीज एजेप्टाइस से फैलता है ना, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा राइम बन गई। ओके, अपार्ट फ्रॉम द जोक, फर्स्ट ऑप्शन इज एंडीज माउंटेन्स, ऑप्शन बी इज माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी इज माउंटेन किलिमंजारो एंड डी इज विंसन मैसिव। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इफ यू रीड दिस हाइएस्ट माउंटेन, इसी से आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स माउंटेन के बारे में, दैट इज माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, चाइना एंड नेपाल के बॉर्डर पर। द पेरेंट रेंज ऑफ माउंट एवरेस्ट इज हिमालयस, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए इसका आंसर क्या है, बिकॉज आप बोलोगे कि भाई इसमें तो माउंटेन पूछा ही नहीं है, माउंटेन रेंज पूछा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो माउंटेन्स हैं, इसकी जो पेरेंट रेंज है वो हिमालयस हैं, जो कि हाईएस्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए जब पेरेंट रेंज ऑफ माउंट एवरेस्ट इज हिमालयस, विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द एशिया। अच्छा, आप मेरे को वर्ल्ड की बताओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज आई पुट द थंबनेल माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी सर्च करने हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगी। जैसे इसमें आपको हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ एशिया पूछा है, आप मेरे को बताओ हाईएस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड में कौन सी है, ठीक है। एशिया के अंदर तो माउंट एवरेस्ट की हिमालयाज हो गई। नेक्स्ट इज लोकेशन कहाँ पर, नेपाल चाइना बॉर्डर, एज ऑलरेडी सेड। लोकल नेम यहाँ पर सागरमाथा बोलते हैं, दैट इज गॉडेसेस ऑफ स्काई इन नेपाल। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चोमलुंगमा, ये मदर ऑफ वर्ल्ड है, चाइना में बोलते हैं इसे, तिब्बत में, मदर ऑफ वर्ल्ड, दैट इज चोमलुंगमा। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू, नेम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। आंसर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको बताना है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, सॉरी आंसर बताने की जरूरत है, क्योंकि वो जो मैंने पूछा है वो पूछा है आपसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज, है ना। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड के अंदर। सो ऑप्शन ए इज हिमालयस रेंज, विंध्या रेंज, एंडीज माउंटेन्स या फिर माउंट एवरेस्ट रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एंडीज माउंटेन्स। इसे याद करने की बहुत ही सिंपल और बहुत ही लिंक ट्रिक है, ऐसा नहीं कि हवा में ट्रिक है, आपको ट्रिक भी याद करनी पड़े एक्स्ट्रा नहीं। देखो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पूछा है ना, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, है ना, सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, दैट इज एंडीज। एंडीज से आप याद कर सकते हो, जिसका एंड ना हो, एंडलेस, तो यहाँ से वर्ड आ जाएगा एंडलेस, ठीक है। तो ऐसी माउंटेन रेंज जो कि बहुत लंबी है वर्ल्ड के अंदर, दैट इज एंडीज माउंटेन। जो एंडीज माउंटेन है ये लोकेटेड कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाईएस्ट पीक आउटसाइड द एशिया एंड द पेरेंट रेंज इसकी है एंडीज माउंटेन, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री इज इन विच कंट्री इज
माउंट एल्ब्रस लोकेटेड, माउंट एल्ब्रस इनमें से किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इंडिया तो आप इजीली नेगलेक्ट कर सकते हो, इंडिया तो इसका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज मोस्टली हमने जो नाम सुने हैं उसमें से माउंट एल्ब्रस हमने कभी सुना नहीं है, तो इंडिया इसका आंसर है भी नहीं। बाकी बचे तीन ऑप्शन, दैट इज USA, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी रशिया। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज थ्री? सो माउंट एल्ब्रस ये लोकेटेड है रशिया में, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी रशिया यूक्रेन न्यूज में भी थे ड्यू टू वॉर, तो वहां से भी आप लिंक कर सकते हो। जो माउंट एल्ब्रस है दैट इज लोकेटेड इन रशिया, इट इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। ठीक है, सो दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अगर हाईएस्ट पीक ऑफ इन यूरोप पूछे तो दैट इज माउंट एल्ब्रस। पेरेंट रेंज है इसकी कैकासा माउंटेन, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नेम द हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग, ठीक है, अकेला ऐसा माउंटेन वर्ल्ड में कौन सा है जो कि बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन इज माउंट एंडीज, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो एंड विंसन मैसिव। तो अगर आपने वो सुना एक न्यूज में आया था कि जब स्पेसमैन अपने स्पेस के थ्रू कहाँ जाते हैं, मून पर जाते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो उन्हें मून से अर्थ पर जो सबसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो दिखती हैं, विजिबल होती हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर हैं, तो वन इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द सेकेंड इज़ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आपसे पूछा है फ्री सिंगल स्टैंडिंग है, तो वैसे तो इसका आंसर दे रखा है माउंट किलिमंजारो, तो आप माउंट किलिमंजारो लगाओ क्योंकि बुक के हिसाब से माउंट किलिमंजारो है, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। ठीक है, और एक बार आप खुद भी सर्च कर लेना गूगल पर, या फिर मैं मैसेज में इसका जो आंसर है वो पिन करके दे दूंगी। ठीक है, सो हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट किलिमंजारो। बाकी आप भी अपने गूगल पर सर्च करके इसका आंसर बताना। नेक्स्ट वन इज नेम द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन ए इज क्यूकाकस माउंटेन, विंसन मैसिव, माउंट मैकलिंगले एंड माउंट अलास्का। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। एंड यूरोप की कौन सी होगी? एल्ब्रस माउंटेन, जो कि रशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट इज नेम द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सेकेंड हाईएस्ट पीक। फर्स्ट होगी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, दैट इज K2, काराकोरम जिसे बोलते हैं। कहाँ लोकेटेड है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सो सेकेंड हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो ये भी कहाँ लोकेटेड है? एशिया में ही है, दैट इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या फिर K2 भी बोलते हैं इसे, काराकोरम। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज द रेंज ऑफ काराकोरम माउंटेन ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के अंडर आती हैं, और ये काराकोरम माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। लोकेशन है बिटवीन पीओकी एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इन चाइना इज नोन एज। लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है जिसमें सियाचिन ग्लेशियर वगैरह आ जाते हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन है चाइना में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर इंडिया। वाओ कितना अच्छा मैप बनाया मैंने। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इन चाइना इज नोन एज, तो ये जो रेंज है अगर चाइना तक जा रही, तो इसको, इसका जो एक्सटेंशन है इसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आर मानसरोवर रेंज, कैलाश रेंज, जास्कर रेंज, नंगा पर्वत। करेक्ट आंसर इज कैलाश रेंज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
मानसरोवर की यात्रा करते हैं कैलाश में, ठीक है, कैलाश के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज. दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो यंगेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इनमें से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है द हिमालयाज रेंज. न्यू फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं द हिमालयाज रेंज. हिमालयाज के बारे में ये एक्सटेंशन इनका कहाँ से कहाँ तक है, ये एक रेंज है मतलब पर्वत श्रृंखला है. पर्वत श्रृंखला का मतलब पर्वतों की चोटियाँ, ठीक है, ऐसे करके. तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है. पार्ट्स ऑफ डिवीजन, हिमालयाज के पार्ट्स ऑफ डिवीजन से क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, बट ये थोड़ा डीप टॉपिक हो जाएगा. आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, फैक्चुअल पूछेंगे कि यूरोप की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, और ये भी मुश्किल है. वैसे तो आपको इंडिया से ही पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, ठीक है. फिर भी हिमालयाज की जो डिवीजन्स हैं, ट्रांस हिमालयाज हैं जो कि तिब्बत हिमालयाज या फिर चाइना, तो टी फॉर ट्रांस, टी फॉर तिब्बतन. तो तिब्बतन कहाँ पर आ गया? चाइना ऑक्यूपाइड है ये, तो ईजिली लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट इज लेसर हिमालयाज, देन ग्रेटर हिमालयाज, देन ईस्टर्न हिमालयाज जो कि पूर्वांचल से स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज इज कॉल्ड. ट्रांस हिमालयाज जो कि तिब्बत में है, तो चाइना से रिलेटेड होगा कुछ कुछ इसमें. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालयाज की, दैट इज ग्रेट काराकोरम रेंज, जैसे कृष्णागिरी रेंज भी बोलते हैं, ठीक है. ग्रेट काराकोरम रेंज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज. इनमें से कौन सी रिवर है जो कि ऑरिजिनेट होती है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी, रिवर इंदस. इंदस रिवर ऑरिजिनेट होती है कैलाश मानसरोवर से. नेक्स्ट वन, नेम द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, सेकंड मैंने आपसे पूछा है, फर्स्ट आपको बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन जो था. थर्ड आपको माउंटेन रेंज पूछी है, हाईएस्ट कौन सी है? ऑप्शंस आपको गिवेन है नंदा देवी, कंचनजंगा, हिमालयाज या फिर एंडीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज कंचनजंगा. कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट कौन सी होगी? हिमालयाज रेंज. कंचनजंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन में ही हो गया. लोकेशन इसकी कहाँ पर है? सिक्किम रीजन से है एंड नेपाल एंड बॉर्डर ऑफ इंडिया के बीच में ये लोकेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, नेम द माउंटेन रेंज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हुज ऑल बाउंड्रीज आर लोकेटेड इनसाइड इंडिया एंड नॉट सेपरेट या स्प्रेड इन अदर कंट्रीज. नाउ दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक बतानी है जो कि लोकेटेड है विद इन इंडिया, किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, या फिर वर्ल्ड में भी नहीं है, या फिर इंडिया के कहीं बाहर भी नहीं है. तो ऐसी आपको बॉर्डरी माउंटेन रेंज बतानी है जो कि विद इन इंडिया आपसे पूछी गई, इंडिया के अंदर लोकेटेड है. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर से शेयर होती है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ये. माउंटेन नंदा देवी, माउंट गरवाल हिमालयस, तो ये भी चाइना से ऑक्यूपाइड है कुछ कुछ पार्ट इसका. एंड धौलाधार रेंज, ये भी नहीं है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, माउंटेन नंदा देवी, ठीक है, उत्तराखंड में लोकेटेड है. नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट इज पीर पंजाल रेंज लोकेटेड. पीर पंजाल, काराकोरम रेंज, जलास्कर रेंज, ये कहाँ लोकेटेड है? सारी जम्मू एंड कश्मीर में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. पीर पंजाल पास भी है, पास मतलब दो हिमालयस के बीच में से जो जाने का रास्ता है, तो उन्हें उन पास बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं दर्रा. तो ये जो दर्रे हैं या जो पास हैं, जैसे सिक्किम में हो गया, ठीक है, पीर पंजाल हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, बाकी अरुणाचल के भी बहुत पास हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जोजीला पास सिक्किम में, तो ये ऐसे पास पूछ ले जाते हैं. पास मैंने छात्र को आपको कराई भी हैं, तो एक बार वो वीडियो देख लेना, इम्पॉर्टेंट ट्रिक उसमें मैंने आपको बताई है. अगर आपको नहीं मिलती है तब भी आप यूट्यूब पर भी सर्च करके एक बार वो वीडियो देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच स्टेट इज
धौलाधर रेंज लोकेटेड, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था ऑप्शन में धौलाधर रेंज, ठीक है, तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? लोकेटेड है पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलाधर रेंज कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। धौलाधर मतलब ऐसा लग रहा है कि जो झरना है वो बहुत स्पीड से ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, तो धौलाधर मतलब ऐसे याद कर लो चल चलना, मतलब वो बहुत स्पीड में नीचे से नीचे आ रहा है, चल रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हो कुछ भी ट्रिक लगा के। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द सदर्न मोस्ट ऑन द आउटर हिमालयस कॉल्ड। सदर्न मोस्ट और आउटर हिमालयस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन इज मनक पर्वत, धांग रेंज, कैलाश रेंज, गैरो हिल्स। गैरो हिल्स, गैरो खासी किस में आ जाएंगे? ईस्टर्न हिमालयाज में, जो कि मेघालय में लोकेटेड है। कैलाश नॉर्थ में होगी। कैलाश रेंज क्या है? लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है चाइना के अंदर, ये अभी हमें क्वेश्चन पढ़ा भी था, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक पर्वत, ठीक है, तो सदर्न मोस्ट जो हिमालयस आउटर हिमालय जिसे हम बोलते हैं दैट इज मानक पर्वत, उसका पार्ट है। मानक पर्वत इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेजर ऑफ शिवा, ट्रेसेस ऑफ शिवा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज काली रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ। ये न्यूज़ में था एक्चुअली, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पुट करके बहुत ही अच्छा किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। काली रिवर इनमें से किस कंट्री के बीच बॉर्डर बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल एंड इंडिया। नेपाल एंड इंडिया आर द टू कंट्रीज सेपरेटेड बाय काली रिवर, ठीक है, काली रिवर से ये दोनों कंट्रीज सेपरेटेड है। और काली रिवर बीच में विवाद भी हुआ था, न्यूज़ में आया था डिस्प्यूट, काली रिवर डिस्प्यूट, तो उस वजह से ये क्वेश्चन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। दिस क्वेश्चन इज देखने से भी लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, आंसर याद होगा तभी कर पाओगे, तो इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग जीके इज ऑल अबाउट योर मेमोरी और आपने कितना पढ़ा है। ऑप्शंस आपको गिवन है द सतपुरा, द हिमालयस, द रावली, द विंध्या रेंज। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड की कौन सी है? इंडिया में लोकेटेड है, क्योंकि सारी ऑप्शंस इंडिया के ही दे रखे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? द अरावलीज, जो राजस्थान मध्य प्रदेश में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरावली रेंजेस। तो अरावली रेंजेस ये हैं ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। आप बता सकते हो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये मैंने आपको किसी ना किसी जीके पार्ट में कराया भी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक और ऑफ अरावली पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है ये आपको बताना है ना। अरावली रेंज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, गुजरात से एक्सटेंड है टिल हिमालयस, जिसमें राजस्थान भी कवर है। उसके बाद इट इज़ फेमस फॉर मार्बल डिपॉजिट इन इंडिया, मार्बल डिपॉजिट के लिए फेमस है ये। इट ऑल्सो कंटेन्स लेक सांबर, जो कि सॉल्टेस्ट लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है इन इंडिया, दैट इज सांबर लेक। राजस्थान में लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, सांबर लेक। लेक सांबर इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर वाटर बॉडी ऑफ इंडिया। तो ये सांबर लेक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। लेक्स एंड रिवर्स के बारे में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, वेयर आर गिरनार हिल्स लोकेटेड। ये जो गिरनार हिल्स हैं ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आपको गिवन है किस स्टेट में? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात, गुजरात में लोकेटेड है गिरनार। सो जी फॉर गिरनार एंड जी फॉर व्हाट? गुजरात। तो यहाँ से आपको इजीली लर्न हो जाएगा गिरनार इज लोकेटेड इन गुजरात। इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स इन इंडियन स्टेट्स, नो नीड टू लर्न दिस बिकॉज इट इज़ वेरी हैक्टिक टास्क टू रिमेंबर ऑल द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन इंडिया। सो डू रिमेंबर ओनली द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस वीडियो में कराए गए हैं, ठीक है। अगर वो हार्ड होगा तो फिर सभी बच्चों के लिए हार्ड होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ अलग हटके करोगे। नेम द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, हाइएस्ट पीक इन इंडिया पूछा है, तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन बी, कंचनजंगा। तो दोनों क्वेश्चन
डिफरेंट है और आंसर भी डिफरेंट है. जैसे नेम द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, देन इट इज़ कंचनजंगा, क्योंकि वो सिक्किम में लोकेटेड है, कुछ पार्ट उसका चाइना से भी ऑक्यूपाइड हो रखा है. बट आपसे पूछा गया हाईएस्ट पीक विद इन इंडिया, कंप्लीटली इन इंडिया, अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी. ओके, क्लियर टू यू? अगर आपसे पूछा गया हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड कंप्लीटली इन इंडिया, आंसर इज नंदा देवी, नॉट कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट और K2. ठीक है, नेक्स्ट इज कंचनजंगा. कंचनजंगा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन द सिक्किम रीजन. सिक्किम में है ये, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है कंचनजंगा सिक्किम में. कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, जो कि फेमस किसके लिए? वन हॉर्न राइनो के लिए. द पार्ट ऑफ द हिमालयज आर लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड नेपाल. थर्ड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये अभी हमने पढ़ी लिखा है. सेवन मेजर माउंटेन रेंजेस में से आती है ये. ठीक है, इंडिया इज द होम ऑफ सेवन मेजर माउंटेन रेंजेस. क्वेश्चन नंबर 20, नेम द ओनली एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट इन इंडिया. एक्टिव वॉल्केनो इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, ऑप्शन है बैरन आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर आइलैंड, डोसन हिल्स, डेकन ट्रैप्स. करेक्ट आंसर, आप सभी को इसका आंसर कभी ना कभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर अंडमान में लोकेटेड है बैरन आइलैंड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो देर आर सिक्स वॉल्केनोज इन इंडिया, जिनमें से जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है दैट इज बैरन आइलैंड, जो कि अभी तक एक्टिव है. सो बैरन आइलैंड इट इज द ओनली एक्टिव, ठीक है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट, लोकेटेड इन अंडमान सी. इट इज द चेन ऑफ वॉल्केनोज फ्रॉम सुमात्रा टू म्यांमार, जो कि रिंग ऑफ फायर का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द हाइएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. हाइएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन वर्ल्ड के अंदर कौन सा है? ओजस डेल सेलेडो, माउंट पिस्पी, वॉट एवर टिपास, या फिर तिब्बतन रेंज. करेक्ट आंसर इसका क्या है? माउंटेन ओजस डेल सेलेडो. ओजस डेल सेलेडो, जैसे इसका नाम है जितना बड़ा उतना ही हाइएस्ट भी है. ठीक है, तो हाइएस्ट वॉल्केनो माउंटेन जो है वर्ल्ड के अंदर, दैट इज ओजस डेल सेलेडो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. वी आर रनिंग वेरी फास्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, नेम द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ. अर्थ के अंदर या अर्थ पर सबसे एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? ऑप्शंस आपको गिवन है, मुनालाओ, अनक क्रकोटाओ, ये इंडोनेशिया में है, माउंट फूजी, या फिर माउंट अंगुंगा, अकांगुआ बोलते वैसे. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मोनालाओ, एक्टिव वॉल्केनो, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ. मोनालाओ, मोनालाओ इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड. इट इज वन ऑफ द वॉल्केनो ऑफ द हवाई सेंटर्स इन US. क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम वॉल्केनिक माउंटेन्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है. किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं? सॉरी मैक्सिमम वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं. एक्चुअली वॉल्केनिक माउंटेन्स किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा हैं? ऑप्शंस आर जापान, चाइना, US, रशिया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज USA. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन में हम तुक्का नहीं मार सकते, है ना? हम सोचें आज जापान और इंडोनेशिया पास पास हैं तो वहाँ पर रिंग ऑफ फायर में आ सकते हैं, नहीं. इसका करेक्ट आंसर है USA. नेक्स्ट वन इज नेम द माउंटेनियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. माउंटेनियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का मतलब जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा माउंटेन्स है, है ना, पहाड़ी इलाका है जिसमें कंट्री में ज़्यादा है. ऑप्शंस आपको गिवेन है, करेक्ट आंसर है, जैसे इसमें भूटान के बारे में जिक्र किया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज भूटान. सो नेम द माउंटेनियस कंट्री. माउंटेनियस कंट्री सबसे ज़्यादा माउंटेन्स किस में? भूटान में. ठीक है, सो कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू. लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म भी बोलते हैं भूटान को. ये क्वेश्चन आया भी है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो एंड होप यू लाइक द क्वेश्चन एंड जो इन्फॉर्मेशन एज आई ऑलरेडी सेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट अब तक मैंने आपको दो प्रोवाइड कर दिए हैं, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2.
तो ये दोनों जो मॉक टेस्ट हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं। क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के बहुत ही अच्छे हैं, अप टू द लेवल हैं, इंग्लिश एंड जीके कराई गई है। एंड जो मॉक टेस्ट थर्ड है होपफुली मतलब 80-90% आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टिल संडे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट का डिमांड कर रहे हैं, बट इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज एज वेल एज मेरे को आपको अगस्त के करंट अफेयर्स भी देने हैं। वैसे तो आप अभी अगस्त को एंड होने में टाइम है, तो उससे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट 3 प्रोवाइड करूँगी। ओके, एंड एक चीज़ को जो कॉमन मेरे को दिख रही है, यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियोज, सो दिस इज़ नॉट द कंप्लेंट फ्रॉम माई साइड। एक्चुअली जिन बच्चों को लगता है जो वीडियो है वो हेल्पफुल है तो एक बार लाइक कर दिया करो, और ऐसा नहीं है हर वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई तो एटलीस्ट एक वीडियो को तो अच्छे से लाइक करो, है ना, जो आपको पसंद आ रही है। सो दैट इज़ अप टू यू। बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्वेश्चंस आर वेरी गुड। आप इसको वीडियो को एक और बार अपने एग्जाम के नियर बाय देख लेना, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे हैं। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं नोट्स बनाने से क्या है, नोट्स बना के हम रख देते हैं, बट एक बार अगर आप वीडियो को एग्जाम के नियर बाय देखोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप अपना टेस्ट भी ले सकते हो, आप खुद से आंसर पहले से आंसर करने की कोशिश भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। Till then, take care and study hard for your MNS exam. Okay, thank you.